गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे छात्रों ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं, तो पूरे टारगेट विद आलोक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब गुरु शिष्य परंपरा में इस तरह से छोटे छोटे दिन आते रहते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है और हर एक छात्र का एक प्रश्न है कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, कैसे करें। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी सलाहें आपको मिल जाएंगी और उसमें एक द्वैत है। द्वैत का मतलब यह है, एक असमंजस है कि क्या कोचिंग करें या स्वयं पढ़ें। दो चीजें, निर्णय लेने की बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। हमेशा निर्णय लेकर आप क्या करते हैं, स्वयं को संतुष्ट कर पाते हैं। तो निर्णय ले लीजिए, आप कोचिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैं दोनों के फायदे आज बता दूंगा कि यूपी टेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और इसी बार यूपी टेट पास करना चाहते हैं, नहीं आप यूपी टेट पास ही नहीं करना चाहते, इस बार 130 अंक लाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा सुपर टेट के गुणांकों के योग में भी यूपी टेट के 10-25% तक के अंकों का जो गुणांक है वो जोड़ा जाएगा, जो कि भी निश्चित नहीं है कि 10 होगा कि 20 होगा कि 25 होगा। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही छोटा है, आपको 10 मिनट तक मेरे साथ लगातार बने रहना है और इसी में आपको पूरी सूचना मिल जाएगी कि भाई हम यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, क्या यूपी टेट की तैयारी के लिए कोचिंग आवश्यक है, यदि आवश्यक है तो कितना और नहीं है तो क्यों। ठीक है, चलिए देखिए, दो पहलू होते हैं यूपी टेट की तैयारी करने के लिए। एक ये कि आपने बीएड और बीटीसी किया है कि नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि आपने बीएड और बीटीसी किया है तभी आप यूपी टेट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। बीएड, बीटीसी अथवा डीएलएड अथवा उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बीएड बीटीसी आप अगर पास नहीं है, अपेयरिंग में है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब बीएड और बीटीसी, डीएलएड या जितने भी आपकी विज्ञप्तियां आती हैं, सबकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसमें से आप मुख्य देखते हैं बीटीसी को और यहां रखते हैं बीएड को। ठीक है, एक प्रश्न आप अपने हृदय से ईमानदारी से पूछिएगा कि क्या आपने बीएड और बीटीसी ईमानदारी से किया है। ईमानदारी से, ईमानदारी कहने का मतलब है कि आपने 75% कक्षाओं को किया है और आपके अध्यापक ने पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाया है, आपने सभी किताबों को पढ़ा है, आपने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो 50% तैयारी यूपी टेट की है। केवल 50% आपको यूपी टेट की तैयारी अलग से करनी है, वो भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को देखते हुए। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उससे भी कम होंगे, जिन्होंने बीएड और बीटीसी ईमानदारी से किया है, पूरी कक्षाएं की हैं, सभी विषयों की पूरी किताबें ली हैं, टेस्ट सीरीज से या सीरीज से पढ़कर उन्होंने परीक्षा पास नहीं किया है और पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीएड और बीटीसी में एडमिशन लेने के बाद आपके दिमाग में रहता है कि कैसे हो कि हमको क्लास करने न जाना हो, हम केवल एग्जाम देने चले जाएं और पास हो जाएं। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, जहां पर आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं रहती कि भैया अगर आप नहीं आए, जबरदस्ती आपसे नहीं की गई कि आप नहीं आए तो आपको 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा, या तो आप इस दबाव में पढ़े, दबाव नहीं, खुले मन से। तो मैं समझता हूं बहुत कम छात्र हैं, और ऐसे छात्र जो होते हैं अगर वो कोचिंग कर लेते हैं तो वो 135 और 140 क्वेश्चन सही करते हैं। जिन्होंने बीएड और बीटीसी मन से भी किया है और उन्होंने कोचिंग भी कर लिया, सही गाइडेंस ले लिया, तो 135 और 140 क्वेश्चन वही छात्र लाते हैं। अब वो छात्र जो कभी बीएड और बीटीसी मन से नहीं किया, उन्होंने मुंह नहीं देखा है, कुछ भी उनको नहीं मालूम है, ऐसे छात्रों को कोचिंग करना नितांत आवश्यक होता है। बिना कोचिंग किए आप टेट के विषय में सोच ही नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे, सर मैंने तो बिना कोचिंग किए पढ़ लिया और बीएड और बीटीसी पास था मैं, और मैंने कभी कक्षाएं भी नहीं की थी।
तो एक खास बात जान लीजिए कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही मेहनती छात्र हैं, इसके वजह से आपने बीएड और बीटीसी की भी कक्षाएं नहीं की और कहीं आपने टेट की कोचिंग भी नहीं की और आप पास हो गए। सबसे बड़ा फोकस मेरा रहता है कि बीएड और बीटीसी करने के बाद बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं और ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई छूट गई है। बीएड और बीटीसी करने के बाद ज्यादातर महिलाएं कामकाजी हो गई हैं या गृहिणी हो गई हैं या ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या तो बहुत सारे लोग दूसरे प्रोफेशन में जुड़ गए हैं। एकाएक यूपी टेट की परीक्षा देना है, यूपी टेट की तैयारी कोई दो चार साल लगातार नहीं करता है, जैसे ही फॉर्म आते हैं वैसे आप तैयारी शुरू करते हैं। आपने पढ़ाई बंद कर दिया है तब भी आपको यूपी टेट पास करने की बहुत ही जरूरत है और आपको एक कोचिंग संस्थान की आवश्यकता है। ये तो हो गई कि किन लोगों को यूपी टेट की तैयारी करना चाहिए, ये चीजें आपने यहां से जान लिया। अब यूपी टेट के बिना भी अगर आप चाहें तो आप यूपी टेट की तैयारी बिना किए किसी कोचिंग संस्थान से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कम से कम एक साल का समय होना चाहिए। मैं प्रतिभाशाली और जो जिनकी आईक्यू लेवल बुद्धिलब्धि बहुत ज्यादा उनको छोड़कर बात कर रहा हूं, सामान्य छात्रों की बात कर रहा हूं, एक साल आपको लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरा बीएड और बीटीसी का कोर्स जो भी आपने पढ़ा है उसकी पूरी तैयारी आपको होनी चाहिए और बिना अध्यापक के आप अगर ये तैयारी करेंगे तो आपको एक साल तैयारी करनी होगी, तब आप बीएड और बीटीसी पास हो पाएंगे। बहुत सारे छात्रों ने पिछली बार हमारे यहां या किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं लिया, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं की और उसका परिणाम यह है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत जज्बे के साथ मेहनत की, लेकिन छात्रों का जो सामान्य कैंडिडेट थे वो 88 और 89 पर रुक गए और जो और भी प्रतिभाशाली थे वो 81 और 79 पर रुक गए। उन्होंने तैयारी तो की लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, कहां से तैयारी करें और किस किस चीज में क्या क्या पढ़ें, यह पूरी स्ट्रेटजी हमारे यहां आपको मिल जाएगी। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप नंबर है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक जो व्हाट्सएप नंबर है वो नंबर आपके थंबनेल पर भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वो नंबर मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आप उस नंबर के माध्यम से भी चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है, साथ ही साथ आप फीस कैसे जमा करें और हमारी कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। ज्यादातर छात्र फोन कर रहे हैं, सर ये बताइए कि हम फीस कैसे जमा करें, सर आप ये बताइए कि हमको कक्षाएं कैसे मिलेंगी। सारी जानकारी आपको एक नंबर से मिल जाएगी और उस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए व्हाट्सएप नंबर आपको यहां मैं बता देता हूं, 8382 मतलब 8382 और 9667। ये आपका नंबर है और इसी में और नंबर भी है आपका 79। फिर से नंबर में बोल देता हूं, 8382 96 67 और उसके बाद 79। 8382 96 67 79 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और इस पर आपको लिखना है एंट्री, या एंट्री भी नहीं लिख पाए तो केवल टेट लिखकर भेज दीजिए, जो भी आप सुविधा आपको लगे, टेट एंट्री, एंट्री टेट या टेट, कुछ भी लिख के भेज दीजिए इन सब में और आपको हमारी टीम संपर्क करेगी, आपको पूरी विधि बताएगी कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या चीजें खरीदनी है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फीस पे करना है, कैसे हमारे साथ जुड़ना है। यह हमारी प्रक्रिया हो गई। लेकिन अब फिर हम उस मुद्दे पर लौटते हैं जिसके लिए हम लोग बातचीत शुरू किए थे, यूपी टेट की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना फायदेमंद है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप यह चयन कर लीजिए कि आपको कहां पढ़ना है, किससे पढ़ना है। पढ़ने का मतलब यह है कि आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि कौन अध्यापक अच्छा पढ़ाता है। मार्केट में जिसके होल्डिंग और बैनर बहुत जगह टंगे हुए हैं, चार लोगों ने सजेस्ट कर दिया, अरे यार वो चैनल तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो गुरुजी तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और आपने एडमिशन ले लिया, तो मेरी राय है कि आप उनका कहना तो माने लेकिन स्वयं से आकलन करें कि किसने पिछले वर्ष अच्छा रिकॉर्ड रखा था, अच्छे सिलेक्शन दिए थे, ज्यादातर छात्रों को पास करवाया था,
वह कौन कौन से अध्यापक है जिनकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, वो कौन कौन से अध्यापक हैं जो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो परीक्षा उन्मुखी होकर पढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे अध्यापक हैं जिनको मालूम है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको स्वयं उसके विषय में मालूम है, आप उनसे पढ़िए। बाकी ये बहुत कठिन काम होता है कि निर्णय ले पाना कि हमको इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तो आपको अगर इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको यहां पर क्या क्या मिलता है। पहली चीज, जो हमारे यहां के अध्यापक हैं, जो हमारे यहां के फैकल्टीज हैं, उसमें मैं आपको बात करूं तो सभी अध्यापक लगभग 7 साल, कम से कम 7 साल का उनके पास अनुभव है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2011 से 2019 तक लगातार टेट में पढ़ा रहा हूं। ज्यादातर अध्यापक हमारे यहां 7 साल का अनुभव लिए हुए हैं, और ये अध्यापक ऐसे हैं कि आप ऑफलाइन सोचे कि इस सभी अध्यापकों से एक साथ पढ़ लें तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी अध्यापक अपने अलग अलग रंग से पढ़ाते हैं, मतलब वो एक साथ आपको एक मंच पे नहीं मिलेंगे। आप चाहे 20,000-50,000 रुपए खर्च कर दीजिए, लेकिन सभी अध्यापकों से एक साथ आपको एक मंच नहीं मिलेगा। एक मंच आपको मिलेगा केवल हमारे यहां टारगेट विद ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब यहां पर आपको 7-7 साल पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि सभी टीचर और लगभग 90% टीचर हमारे यहां ऐसे हैं जो कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और वही विषय पढ़ा रहे हैं और उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे टीचर डायट में भी वो ट्रेनिंग देने गए हैं दूर शिक्षा माध्यम से, जो बीटीसी और दूर शिक्षा माध्यम से हो रहा था शिक्षा मित्रों के लिए, उनको ट्रेनिंग देने गए हैं 2 दिन के लिए। बेसिकली मुझे भी बुलाया गया था। तो ऐसे अध्यापक हैं जो जानते हैं कि पेपर कौन बनाता है, किस तरह से पेपर सेट होता है, वो सारी प्रक्रियाएं वो जानते हैं, और इसलिए वो आपके लिए बेस्ट हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि हमारे अध्यापकों को यह भी मालूम है कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जहां से प्रश्नोत्तर तैयार किए जाते हैं। वो चीजें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं बता सकता, जिसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ये जितने भी अध्यापक है सबको मालूम है, और ये गुर आपको भी पता चल जाएगा कि अगर यूपी टेट का पेपर बनाया जाता है तो कहां से बनाया जाएगा, ये आपको खुद मालूम चल जाएगा। कोई अध्यापक अगर 7-8 साल अगर पढ़ा लेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि पेपर बनाएगा तो ये कहां से बनाएगा। इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इतने इतने प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, और ये किताबें हैं जिससे प्रश्न पेपर बनाए जाते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की केवल 2 किताबें हैं, हिंदी व्याकरण की केवल 2 किताबें हैं जहां से पूरे भारत में अगर कहीं कोई भी पेपर बनाया जाएगा तो केवल इन्हीं 2 हिंदी की किताबों से पेपर बनाया जाता है, और किसी किताब से वो पेपर बनाते ही नहीं है। मैं अगर मनोविज्ञान की बात कर लूं तो उसके लिए भी केवल 1 किताब है जिससे पेपर बनाया जाता है, और वो किताब अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में है भी नहीं। तो सारे विषयों के एकदम निश्चित है कि यूपी टेट में पेपर वो किन किन किताबों कहां से बनाए जाते हैं। वो किताब अगर खरीद के आप लेके पढ़ना चाहेंगे तो कम से कम आपको 2-3 साल लग जाएगा, क्योंकि जो शिक्षण मनोविज्ञान किताब है अंग्रेजी माध्यम में है, और उस किताब का हिंदी अनुवाद मिलता भी नहीं, बहुत कम मिलता है, और वो किताब अगर देखे तो लगभग 500 पेज की है, लेकिन हमारे अध्यापक उससे पढ़े हुए हैं और उससे वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, आप उसी से टिस्सरी तैयार करवाते हैं, और वही क्वेश्चन हूबहू आपके परीक्षा में आ जाते हैं। तो ये सभी अध्यापकों को मालूम होगा, और कई बार हमारे और हमारे टीम के ऊपर ये आक्षेप लगाया गया कि आप लोग कैसे बता देते हैं कि पेपर आया, इसका मतलब आप पेपर आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पेपर मालूम था या आपने ही पेपर बनाया था। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कोई भी अध्यापक अगर मन से इतना दिन पढ़ाया है तो उसको मालूम हो जाता है कि पेपर कहां से आएगा। कोई भी छात्र अगर मन से पढ़ ले तो उसको मालूम हो जाएगा कि पेपर ये बनाएंगे कहां से देंगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पिछली बार यूपी टेट से परीक्षा से पहले एक छात्र से मैं मिला जो हमसे ही पढ़ा हुआ था, उसने कहा सर मुझे मालूम है कहां से पेपर ये बनेगा। हमने कहा अरे पागल हो क्या, कहे नहीं सर हमने इतनी तैयारी कर लिया है और सारे एक एक कंटेंट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिया है कि कहां से पूछेंगे, ये पूछे जहां से पूछना हो और जहां से जो पूछ सकते हैं मुझे सब मालूम है, सब दे दूंगा। और उस छात्र के 135 क्वेश्चन है, मैंने उसकी चर्चा किया था, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। ये सारी चीजें मैं नहीं बताता हूं लेकिन बताना पड़ा, क्योंकि
मुझे दुख होता है कि अगर मेरे छात्र, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र कहीं और जाकर प्रवेश लेते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। बाद में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाद में आते हैं, कहते हैं सर मैं वहां पर फंस गया था, सर प्लीज हमारे एडमिशन यहां ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप कहीं और न फंसें, आप हर जगह पर जाकर स्वयं से आश्वस्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद हमारी संस्था में प्रवेश लें, ठीक है? तो हम आपको उस काबिल बना देंगे, हम गारंटी तो एक बहुत छोटा और घटिया शब्द मैं समझता हूं, मैं आपको उस काबिल बना दूंगा कि आप अपने आप विथ कॉन्फिडेंस कहेंगे यार कहां से पूछेगा, ये कहां से पूछेगा भाई, हिंदी पूछना है ना तो कहां से पूछेगा, इस तरह से आप जवाब देंगे। तो चलिए आप हमारे कॉन्फिडेंस को और चार चांद लगाइए, हमारे विश्वास के साथ आप जुड़िए, आपको कभी भी इसके लिए थोड़ा भी गुरेज नहीं होगा कि मैंने गलत किया, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक चीज मैं अपने डंके की चोट से कहता हूं और आप मिलान करवा लीजिए, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे भारत भर में चल रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी अगर टारगेट विद आलोक चैनल से कोई अच्छा करवाता हो तो उसमें तीन चीजें देखिएगा, अध्यापकों की गुणवत्ता, उनकी फीस और उनका पुराना रिकॉर्ड। तीन चीजें आप देख के एडमिशन लीजिएगा, अध्यापकों की गुणवत्ता पहली चीज, वो अध्यापक हैं क्या, एकाएक आ गए हैं क्या, ऐसा नहीं। दूसरा उनकी फीस कितनी है, बहुत सारे संस्थान है बहुत ज्यादा फीस, नोट्स के लिए अलग से फीस लेंगे, कक्षा के लिए अलग से फीस लेंगे, सबके लिए अलग अलग फीस, वो फीस कितना ले रहे हैं और किस प्रकार से ले रहे हैं, और उनके जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड हैं कि क्लास नोट्स हैं कि अपडेटेड नोट्स हैं, और टेस्ट सीरीज वो कैसे देते हैं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रवेश लीजिएगा, ठीक है? तो मैं समझता हूं कि आप लोग आश्वस्त होंगे मेरी बात से, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगी होंगी, लेकिन जितनी बुरी लगी होगी उतनी उनको उतनी मिठास भी मिली होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, अब कक्षाओं के साथ कक्षाओं को पढ़ाऊंगा, और ये व्हाट्सएप नंबर मत भूलिएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरी कक्षा करने के लिए आप सबका तहे दिल आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।